हेलो एवरीवन, सारे भैया ने राम राम, बड़े बुढ़े ने राम राम, और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो दोस्तों, एक चीज़ के देख के मुझे बहुत दुख हुआ दिल में, कि जैसे चलो हम लोगों के तो हाथ हैं जो सलामत है, उसके लिए मैं सोचता हूँ ठीक है, लेकिन जिसके पास हाथ या पैर नहीं है वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताता होगा। जब आदमी के दोनों हाथ पैर सलामत होते हैं, उसको करते हुए भी मतलब चाहता नहीं है करने के लिए, लेकिन जिसके पास हाथ पैर नहीं होता होगा, या भगवान ने या उसकी अपनी गलती से, मतलब यार बहुत प्रॉब्लम होती होगी। आदमी जिसके हाथ पैर होते हैं यार, वो अपना काम तो करना नहीं चाहता, दूसरे का क्या करेगा। जिसके हाथ पैर नहीं है यहाँ पृथ्वी पे, बेचारा वो, उसकी जिंदगी कितनी कठिनाई में होगी, बहुत परेशानी होगी। सिंहेश्वर गया था एक दिन यहाँ मंदिर के पास, तो एक बंदा देखा मैंने, उसके दोनों हाथ नहीं थे, ये मुक्के से नीचे पंच, पंच से नीचे। मुझे बहुत मतलब बहुत बेकार महसूस हुआ यार, मैं ऐसे देखता हूँ मुझे बहुत परेशानी होती है। हालांकि हर चांद में दाग होता है, पर उसके साथ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी। दिक्कत ये थी यार उसके, मतलब समझ सकते ये, तो ये जब यही दोनों हाथ में नहीं होगा तो आदमी करेगा क्या, क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो उसका घर का एड्रेस थोड़ा थोड़ा पता है मुझे, फ़ोन नंबर लेना भूल गया, जल्दी में था मैं तो कांटेक्ट नहीं कर सका उस टाइम पे, लेकिन उसके घर जाऊंगा मैं, अब पता करूंगा उसके बारे में, और मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, चाहे मुझे उसमें किसी की मदद लेनी पड़े, लोगों से भीख मांगना पड़े, लेकिन उसकी मदद मैं करूँगा। तो इसलिए मैंने वीडियो डाली थी, अपने भाइयों को बता दूं, दोस्तों को बता दूं, सबको बता दूं। चोर बेईमान बहुत होते हैं लोग, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कमा के तुम अपने पास कुछ नहीं रखना। जैसा मुझे लगा कि उस आदमी की मुझे मदद करनी चाहिए, मैं करूँगा अपने पूरे मन से, चाहे उसके लिए मैं, मुझे भीख भी मांगनी पड़े मैं मांगूँगा, लेकिन उसको जब मेरे पास दोनों हाथ है, समझ रहे हो। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कामचोर तो भाई सारे काम करता हूँ वैसे तो मैं, फिर भी कहते हैं।